हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि नॉट इक्वल टू का यूज कैसे किया जाए, कैसे हम इस फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ये फॉर्मूला बल्कि कहेंगे, फंक्शन नहीं कहेंगे इसे, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इसे कैसे करेंगे। एक्सेल में तो आप करना जानते होंगे शायद, ठीक है, अगर नहीं जानते होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। वैसे मैं आई बटन पर लिंक भी दे दूंगा उसका, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कैसे करेंगे तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और एक्सेस को ओपन कर लेते हैं। तो मेरे पास एक्सेस का दोनों ही वर्जन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2007 भी है, 2021 है, तो 21 थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट होता है तो मैं इसी को यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर देखिए, ये ब्लैंक डेटाबेस आपको दिख रहा होगा, क्लिक कर दीजिएगा इस पे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन होगा, आप देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डेटाबेस का नाम आ गया है और ये है डेटाबेस फाइल की एक्सटेंशन, यानी .accdb जो लिखा हुआ है, ये डेटाबेस फाइल की यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फाइल की एक्सटेंशन है। तो फिलहाल हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम यही नेम रहने देना चाहते हैं। आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इस पे क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक टेबल हमें बनानी है, तो व्यू पे जाना है और इस टेबल को नाम दे देते हैं। कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, जो चाहे वो नाम दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इस टेबल को नाम दे देता हूँ माई टेबल लिख देता हूं, माई टीबी, ठीक है, माई टैब। तो ये हमने दे दिया और यहां पर ये प्राइमरी की है, यानी इस फील्ड में डुप्लीकेट वैल्यू आएगी नहीं। ठीक है, और यहां पर क्या करता हूं, यहां पर दे देता हूं नेम, NAME नेम ऑफ स्टूडेंट्स, क्या दे दिया, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे करके लिख दिया है। और यहां पर स्टूडेंट्स के नाम आएंगे तो अलग अलग डेटा टाइप आपको देखने को मिल जाते हैं इसमें। देखिए, ये बहुत सारे डेटा टाइप आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहां पर आते हैं तो उनकी एज की बात करेंगे। तो यहां पे एज डाल दिया हमने, और यहां पे एज में क्या करेंगे, एज में हम करेंगे ये नंबर, और यहां इसे बनाएंगे डबल। ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसे डबल बना लेना है ताकि हम डेसिमल वैल्यूज भी एंटर कर पाए। अब यहां से ओके कीजिए, यस कर दीजिए, तो यहां पर आपको देखने को मिलता है नेम ऑफ स्टूडेंट। नेम ऑफ स्टूडेंट वाले फील्ड में आप नेम ऑफ स्टूडेंट ही एंटर करेंगे, तो यहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट एंटर कर दिया, इनकी एज है 12। ठीक है, फिर यहां पर आए, फिर यहां पे सचिन एक और नाम, और इनकी एज यहां पे कर देते हैं 13। फिर यहां पर एक और नाम सुमित, इनकी भी एज डाल देते हैं यहां पे, तो ये इनकी एज है 14। फिर यहां पर आते हैं सुमित करना, यहां पे देखिए ये वाई आ गया, यहां पे इसको हटा देंगे, ये वाई जो आया है, ठीक है, तो ये हटा दिया। और अब यहां पर आते हैं, यहां पे अगला नाम कर देते हैं रितेश, तो ये कुछ नाम हमने एंटर करवा लिए हैं और इनकी एज भी यहां पर आप देख सकते हैं मैंने डाल दी है। अब क्या करना है, एंटर करवाया गया, एक दो नाम और एंटर कर लेते हैं, जैसे सोनू कर देते हैं SONU, तो ये एक और नाम हो गया। यहाँ पे इनकी भी एज क्या है, 13 है। यहाँ पे मोनू कर देते हैं, इनकी भी एज क्या है, इनकी एज 12 है। फिर यहाँ पे अभिषेक कर देते हैं, अभिषेक, ठीक है, तो ये अभिषेक हो गया। और यहाँ पर इनकी एज है 14। तो यहाँ पर ये बहुत सारे नेम आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये जो नेम है ना, इनमें हमें एज, अब तो ये छोटी सी टेबल है, ये टेबल आपके पास बहुत ज्यादा रेंज में भी हो सकती है, हो सकता है 200-500 के रेंज में ये आ जाए आईडी। ठीक है, तो 500 लोगों की आईडी होगी तो उसमें आपको एज फिल्टर करने में दिक्कत होगी, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू का यूज कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको क्रिएट पे जाना है, क्रिएट पे जाने के बाद ये जो क्रिएट ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे जा सकते हैं। तो क्वेरी डिजाइन पे जाइएगा तो ये देखिए एड टेबल साइड में मिलेगा। अगर 2007 होगा तो आपको यहीं पर आपको एक विंडो ओपन होती हुई दिखाई देगी, उसमें से आप ड्रैग करके ले आ सकते हैं। फिलहाल यहां से हमें ड्रैग करना है और इसको यहां लेके आना है। अब हमें मान लीजिए इसमें नेम ऑफ स्टूडेंट चाहिए और एज चाहिए, ठीक है, वैसे हम फिल्टर करना चाहें तो यहीं पे लगा सकते हैं नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो यहां पर हम कैसे देंगे, जैसे क्राइटेरिया अगर हमें देनी है तो कैसे देंगे, तो क्राइटेरिया में हम नॉट इक्वल टू लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे एज, नहीं एज नहीं लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा, एज यहाँ पे मत लिखिएगा। ठीक है, एज लिख देंगे तो आपकी क्वेरी चलेगी नहीं। ठीक है, एज वाले जो फील्ड है उसमें तो हम ऑलरेडी हैं, तो हमें एज लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप एज लिख देंगे तो दिक्कत आएगी, यहां पर आपका क्वेरी रन नहीं होगा, ये याद रखिएगा। लेकिन चलिए, मन में डाउट क्यों रखना है, डाउट सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो अगर आप यहां रख देंगे, एज लिख देंगे तो क्या होगा, हालांकि यहाँ पे फील्ड नेम आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा है, फिर भी अगर आप रखना चाहते हैं तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं, वो भी एक मैटर है। ठीक है, एज लिख दिया और इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू 12, यानी हमें 12
12 छोड़ करके बाकी सारी एज चाहिए। तो यहां पर हमने इस तरीके से ये क्राइटेरिया दे दिया और अब रन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे, रन पे क्लिक करते ही आपको एक एरर आएगी, जो एरर आपने अभी देखा वही एरर आएगी। मैं फिर से यहां दिखाता हूं, एज इज नॉट इक्वल टू 12 कर देते हैं। और जैसे ही हम इसको रन पे क्लिक करेंगे ना, तो देखिए ये एरर आएगी, डेटा टाइप मिसमैच क्राइटेरिया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर फील्ड नेम तो ऑलरेडी दिया गया है, ये देखिए एज तो ऊपर लिखा ही हुआ है, तो भी अगर हम यहां पे एज लिख देंगे तो ये एरर आपको आनी ही आनी है, ये याद रखिएगा। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो एरर आएगी, तो ऐसा आपको नहीं करना है। फिर करना क्या है वो भी समझ लेते हैं, वो भी एक मैटर है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। पर हम एज वाले जो यहाँ पे फील्ड है उसी में है, और यहाँ क्राइटेरिया के अंदर आकर के नॉट इक्वल टू 12 कर दीजिएगा। ये नॉट इक्वल टू का साइन है, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू 12 वही हमें दीजिए, यानी 12 जिनका हो वो छट जाएगा, बाकी सारे एज वाले बच्चों के जो भी डिटेल है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें देखिए आपको एक भी 12 वाला नहीं मिलेगा, देखिए एक भी 12 वाला है। अगर इसी तरीके से 13 के लिए लगाना चाहते हैं तो एक अलग से क्वेरी लगा के दिखा देता हूं। क्रिएट पे जाएंगे, देन क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, और क्वेरी डिजाइन पे जाके इस टेबल को ले आएंगे ड्रैग करके इस तरीके से। ये देखिए ये आ गया। अब हमें नेम ऑफ स्टूडेंट चाहिए, इसमें डबल क्लिक किया ये आ जाएगा, एज चाहिए डबल क्लिक किया आ जाएगा। फिर वापिस क्राइटेरिया में पहुंचेंगे और यहां पे कर देंगे नॉट इक्वल टू, अब इस बार क्या करेंगे 13 कर देते हैं। तो जो 13 वाला है वो नहीं आएगा इसमें इस क्वेरी में, तो देखिए इसमें 13 वाला एक भी आ रहा है, देखिए। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप इसमें 12 वाला हटा, अभी तो 12 वाला हटा के दिखाया मैंने, तो आसानी से हटा सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। इस तरीके से आप नॉट इक्वल टू का यूज कर सकते हैं, आसान है ना। और भी तरीके हो सकते हैं नॉट इक्वल टू को यूज करने के, लेकिन ये क्राइटेरिया में जाके कैसे आप करेंगे ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे करना है आपको, ठीक है, क्लियर। लाइक को भी देख लेते हैं, तो इसको मैं हटाता हूं, ये जो हमने लगाया अभी इसको हटा देता हूं, और यहां पे आके अब लाइक का यूज करेंगे। लाइक का यूज कैसे कर सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे लाइक, जैसे नेम के बेस पे हमें करना है, तो ये लिख दिया लाइक, देखिए लाइक लिखा हुआ है। और यहां पर क्या करते हैं, यहां पर बहुत सारे नेम तो आए ही हुए हैं, अगर आप अपने टेबल को देखें तो राम आया है, सचिन आया है, सुमित आया है, तो मैं यहां पे एस कर देता हूं, क्या करता हूं लाइक एस, तो एस को डबल कॉमा के अंतर्गत रखना है। यहां पे डबल कॉमा में कैपिटल एस लिखा है हमने, और यहां लगा दिया है एस्ट्रेक का साइन, ठीक है। ये एस्ट्रेक का साइन भी आपको लगा देना है, और फिर डबल कॉमा को क्लोज कर देना है। अब चेक करने की बारी है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिरकार इससे भी कुछ फर्क पड़ता ही होगा। तो क्वेरी डिजाइन पे जाके यहां पर रन का बटन मिलेगा, रन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए क्लिक कर देते हैं रन पे, और जैसे ही क्लिक किया तो एस वाले सारे नाम हमें देखने को मिल रहे हैं, देखिए यहां पर केवल और केवल एस वाले सारे नाम हमें देखने को मिल रहे हैं। नाम तो बहुत सारे हैं, यहां पे आप टेबल में देख सकते हैं आर से है, यहां पे देखिए एम से है, ए से है, लेकिन केवल एस वाले नाम ही हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। यहां पर आप क्वेरी में देखिए, ये जो क्वेरी हमने चलाई है तो इसमें केवल एस वाले नाम ही डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप लाइक ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं, मैंने दोनों आपको तरीका बता दिया, ठीक है, समझ रहे बात को, नॉट इक्वल टू भी बता दिया और लाइक ऑपरेटर का भी यूज बता दिया। तो दोनों तरीके से यूज कीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी।